पाकिस्तानी टीम का हैदराबाद दक्कन में पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। उन्हें मजे मजे के खाने खिलाए जा रहे हैं, बिरयानी, मटन और ना जाने क्या क्या। हसन अली की एंट्री अचानक से वर्ल्ड कप में होती है और इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि हसन अली की वाइफ समिया अली, जिसके साथ उनकी शादी 2019 में हुई थी, उनका ताल्लुक इंडिया से है और उनकी सारी फैमिली इंडिया में ही रहती है और वो पिछले 2 साल से इंडिया नहीं जा सकी। अब 14 अक्टूबर को जो मैच होने वाला है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, उसके लिए हसन अली के ससुर बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि वो 2 साल के बाद अपनी नवासी को मिलने वाले हैं। हसन अली के ससुर लियाकत खान कहते हैं कि मेरी अहलिया 2021 में पाकिस्तान गई थी जब मेरी बेटी के यहाँ बच्चे की पैदाइश मुतवक्के थी। मुझे उम्मीद है कि हम अहमदाबाद में एक मरतबा फिर से इकट्ठे मिलेंगे और मैं अपनी नवासी को मिलने के लिए बहुत बेताब हूँ। फास्ट बॉलर हसन अली की वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम में सिलेक्शन भी हादसाती तौर पर हुई है। हसन अली वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम का हिस्सा नहीं थे, ताहम एशिया कप में नसीम शाह की इंजरी के बाद उन्हें स्क्वाड में शामिल किया गया, जिसके बाद इन दोनों फैमिलीज को एक दूसरे से मिलने का मौका भी मिल गया है। हसन अली के ससुर के फेवरेट प्लेयर विराट कोहली हैं और उनका कहना है कि मैं जब हसन अली से मिलूंगा तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मेरी मुलाकात विराट कोहली और खुसूसी तौर पर इंडियन टीम से भी करवाई जाए। लियाकत खान कहते हैं कि कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अच्छे ताल्लुकात की दुआ नहीं करते। वो कहते हैं कि मेरी अल्लाह से यही दुआ और गुजारिश है कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात आपस में बेहतर हो जाएं। हसन अली के ससुर ये चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के कुछ मैचेस न्यू दिल्ली में भी हों, ताकि हसन अली और उनकी बेगम वहां पर आ सके तो उनके ससुर को उनकी मेहमान नवाजी करने का मौका भी मिल सके। इस हवाले से मजीद वीडियोस देखने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdunews.com।